हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.4। तो स्पीयर क्या है कि गोला, ठीक है, स्पीयर। तो ये पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, फिर सब एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको चलो मान लो कि स्पीयर है, ठीक है। तो उसका हमें टोटली पूरा जो गोला, हम रबर बॉल है उसको हम स्पीयर कह सकते हैं। ये तो रिंग हुई, बट हम रिंग के लिए नहीं, आप इमेजिनेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3D पॉसिबल नहीं है, इसलिए वरना मैं आपको 3D में दिखा था। सो आप इमेजिन कीजिए कि बॉल, उसकी जो सभी तरफ का हमें जो फाइंड करना होता है, सभी तरफ का, पूरे तरफ, पूरे जो हमें गोला है, सब गोला ले लेने, वो हमें फाइंड करने है, उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। हमें सभी जगह का एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। अगर हमें इसे हाफ कर दे, ठीक है, अगर हम इसे हाफ कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों हेमिस्फीयर बन जाएगा। उसका एरिया फाइंड करना है, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करेंगे, बट अगर हम हाफ कर देंगे तो ऊपर जो ये ऐसा बनेगा, अगर हमने हाफ किया है तो स्पीयर ऐसा बन जाएगा, तो ऊपर वाला एरिया कवर नहीं होता हेमिस्फीयर में। अगर हम ऐसा कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये वाला जो एरिया है वो कवर होता है। और टोटल तीन फॉर्मूला हो गए, एक स्पीयर के लिए, एक हेमिस्फीयर के लिए, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए, तीन फॉर्मूला। तो स्पीयर के लिए क्या है, स्पीयर के लिए है 4πRL। अगर हेमिस्फीयर है मतलब हाफ किया, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 2πRL हो जाएगा, सॉरी 2πRL नहीं, 2πR² 2πR² बन जाएगा हेमिस्फीयर के लिए। और हमें ये जो कवर, ऊपर वाला ढक्कन है, उसको हम रखना है, ऊपर वाला जो एरिया है उसको भी लेना है, तो एक रिंग ऐड हुई। आप देखो, एक रिंग एडिशनल हो गई, तो वो क्या है, एक रिंग है, उसका एरिया क्या है, सर्कल का एरिया πR² मतलब इसका है जो, उसमें एक πR² और जोड़ना हो गया, तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो आपको पूरे सम, सब सम समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने जो समझाया है वो, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लो और आगे के एग्जांपल देखो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, हमें पूरा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर फाइंड करना है, ठीक है। उसकी रेडियस हमें दी गई है, रेडियस हमें दी गई है, कितनी है, पहले में है 10.5, उसके बाद 5.6 एंड देन 40। तो क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो लेट्स सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 4πR², तो पाई की वैल्यू तो हम जब दी नहीं गई होती है, तो हम क्या लेते हैं, 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 10.5 square, क्योंकि आर स्क्वेयर है, 10.5 square, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर में ही आंसर आएगा, ठीक है। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वेयर आंसर हमें मिलेगा। फिर क्या करना है, नेक्स्ट में भी जो फॉर्म है वो सब कुछ वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट आप देखो सिंप्लीफिकेशन सब कुछ, मैं अभी मेरे पास तो आंसर सीट है, मतलब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, बट आपको ये पूरा एग्जांपल अपने लेक्चर नोट में लिखना है। तो यहाँ पे 10.5 है, वहाँ से रिप्लेस करके वहाँ क्या आएगा, 5.6, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन नेक्स्ट 14 के लिए करना है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 4πR², सिर्फ आर की जगह क्या रिप्लेस होगा, 14, और उसका आंसर मिलेगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ अ डायमीटर।
डायमीटर दिया है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, रेडियस, तो डायमीटर है उसको रेडियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस डिवाइड बाय टू कर लेंगे तो वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो डायमीटर डिवाइड बाय टू विल बी रेडियस, तो इसका पहले हाफ करेंगे, फिर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ करेंगे मीन्स 14 का हाफ किया 7, फिर सेम फॉर्मूला जो आगे यूज करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की वैल्यू एज इट इज पाई 22/7, और आर की वैल्यू, नाउ आर की वैल्यू क्या होगी, 40/2 किया है तो 7 आर की वैल्यू है, तो 7 स्क्वायर 7 कैंसल, मल्टीप्लीकेशन करवा दो, हमें आंसर मिल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वे 21 है, 21 का हाफ करना है, तो यहाँ पे 21 का हाफ यहाँ पे पॉइंट में लिखा, पॉइंट में लिखा है, अगर आपको 21/2 ऐसे ही रखना है तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 21/2 इज रेडियस। फिर यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला में आप आर की जगह क्या लिखेंगे, 21/2 फिर यहाँ पे 7 आप कैंसिल कर सकते हो इजीली, फिर आपको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन कितना करवाना होगा, सिर्फ और सिर्फ 22 मल्टीपल विथ 3 इंटू 21, इतना सिंप्लीफिकेशन। ये तो शॉर्ट, आप जैसे भी सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो कर सकते हो, बट फाइनली आपको आंसर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आना चाहिए। देन नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है 3.5 मीटर है, देखो यहाँ पे यूनिट चेंज है तो वो थोड़ी मिस्टेक ना हो वो देखना, 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर है उसका हाफ कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा, रेडियस मिलेगी 1.75 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला तो 4 पाई आर स्क्वायर हर बार वहीं यूज होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 1.75 स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दी है आर की वैल्यू 1.75, सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 38.5 मीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर स्क्वायर आएगा, अब तक सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हो तो वो आदत ना हो जाए, वो ध्यान रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट, नाउ देयर इज एन एग्जांपल टू बी सी एंड अंडरस्टैंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अगर आप अभी आपके माइंड में है हाफ कर देंगे स्फीयर का तो वो हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, बट टोटल सरफेस एरिया का है, सिर्फ हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, टोटल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब जो ये स्फीयर है उस पे रिंग भी लगेगी, मतलब एक सर्कल एड होगा, तो हो जाएगा 3πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 3πr², और रेडियस कितनी है, यस 10 रेडियस है, और पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, पाई की वैल्यू है 3.14, पाई की वैल्यू है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 3π और r की सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है अ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, एक बलून है जो स्फीयर ही है, ठीक है, बलून में हम जैसे हवा भरेंगे वो स्फीयर ही बनता है, मोटा और गोला ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वो स्फीयर ही बनता है, इंक्रीज 7 to 14, एक बलून ऑलरेडी बना हुआ है स्फेरिकल बलून, उसकी पहले कितना है रेडियस, ठीक है, उसकी रेडियस पहले 7 थी, अब उसमें हमने हवा भरी तो वो हो गई है 14, मतलब बलून थोड़ा बड़ा हो गया है, 14 उसकी रेडियस होगी, सो बीइंग द पम्प्ड इनटू इट फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, छोटे से अगर बड़ा बलून बना है, छोटे बलून से बड़ा बलून बना है तो रेशियो कितना हुआ, अगर ये पहले 1 था तो अभी कितना हुआ बड़ा, वो हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, रेशियो फाइंड करते हैं 1/2 ऐसे ही डिवीजन में ही रेशियो आता है, मान लो कि आ रेशियो है, आपने कोई एक पेन ली और आपके फ्रेंड ने 5 पेन ली, तो आपका और आपके फ्रेंड का रेशियो क्या हुआ, यस 1:5 और 1/5, वो हुआ आपका रेशियो,
देन नेक्स्ट लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस क्या थी, फर्स्ट रेडियस थी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो उसके लिए सरफेस एरिया ऑफ बलून फाइंड कर लेते 4πr², तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे 7, ठीक है। और देन नेक्स्ट दूसरी रेडियस क्या थी, दूसरी रेडियस 14, कितना बलून बड़ा हुआ 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया 7 से, ठीक है, तो हमने 14 लिख दी। तो उसमें आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 14 × 14। अभी रेशियो फाइंड करना है, तो पहले रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून, तो पहले ऊपर छोटा वाला बलून की वैल्यू लिखेंगे और नीचे बड़े बलून की वैल्यू लिखेंगे, सरफेस एरिया लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 आएगा, यहाँ भी 2, 4 कैंसिल हो जाएगा, सो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 4 हमें आंसर मिलेगा। तो रेशियो क्या हुआ, 1:4 का रेशियो हुआ। देन नेक्स्ट एग्जांपल, अ हेमिस्फीयर बलून मेड ऑफ फ्रॉम ब्रास ऑफ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड रेट इज 16 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो क्या करता है, एक बाउल है, हेमिस्फीयर मीन्स बाउल, बाउल है, हेमिस्फीयर दिखने वाला है, हेमिस्फीयरिकल बाउल है, वो ब्रास से बना हुआ है, ब्रास से, मेड ऑफ ब्रास, ब्रास से बना हुआ है, और उसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन इट, उस पर टीन है, मतलब उस पर टीन चढ़ाना है, ब्रास का बना है उस पर, नाव अभी क्या करना है, उस पर टीन वाला मटेरियल लगाना है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट, टीन मटेरियल लगाने की कॉस्ट क्या होती है, 16 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो सेंटीमीटर स्क्वेयर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो अगर आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर लगाना है तो उसकी प्राइस होगी 16 रुपीज, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो फाइंड है वही करते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, तो पहले उसे हम रेडियस में कन्वर्ट करें, तो रेडियस इज इक्वल टू 10.5 / 2 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा 5.25 सेंटीमीटर होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, जो बाउल होता है, ठीक है, उसके अंदर हमें टीन का, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ हमें टीन का रखना, बट ऊपर तो कवर कुछ है नहीं, तो वहाँ कुछ आएगा नहीं, मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, इनर सरफेस एरिया मीन्स जो बाहर का गोलाई वाला हिस्सा है वहीं, तो उसका फॉर्मूला होगा हेमिस्फीयर का 2πr², तो पाई और आर की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 5.25, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर की प्राइस कितनी है 16, तो 173.25 की कितनी प्राइस होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, जो हमने प्राइमरी में सीखा है 100 टू 16 है, तो 173 की कितनी, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा और डिवीज़न में 100 आएगा, तो वही हमने किया है, देखो 173 मल्टीपल विथ 16 एंड 100 डिवीजन में है, ठीक है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 27.72 रुपीज वी हैव टू पे इफ वी हैव टू टिन प्लेटिंग ऑन हेमिस्फीयरिकल बाउल। सो इस वीडियो में हम इतना ही एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और जो नंबर 6 और बाकी जो सारे एग्जांपल है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वो कट कर देते, ठीक है। सो वी कंप्लीट दिस लेक्चर अप टू हियर, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।